हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, पिछले क्लास में हमने कोशिका के केंद्रक के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे कोशिका के भाग होते हैं, है ना, जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हम केंद्रक को देख रहे थे, तो आज स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, केंद्रक से ही। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। वैसे कोशिकाएं दो तरह की होती है, तो आपको पता चल ही चुका है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दो कोशिकाएं होती हैं, है ना, कोशिका के नंबर के आधार पर। इसके अलावा केंद्रक के संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने तरह की होती हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक है और कौन सी कोशिका जो है यूकैरियोटिक है, हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जिस किसी ने भी आप में से पिछले वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लें। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक कोशिकाएं। तो ये आपकी अविकसित कोशिकाएं होती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसके इंग्लिश वर्ड्स यूकैरियोटिक से पता चल रहा है, यू मीन्स आपकी एडवांस होती है, डेवलप होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होगा विकसित कोशिका, है ना। तो इन दोनों कोशिकाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे और क्या डिफरेंस है इनके बीच में, क्या अंतर है, उसको भी देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर इस केंद्रक में बाहर से एक झिल्ली होती है, जिसको केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, सब में नहीं होती है, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। इस कोशिका में केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की होती है, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहेगी उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, और जिसमें ये झिल्ली उपस्थित होगी उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगी, तो ये केंद्रक जो है इस जीव द्रव्य में कंसंट्रेटेड रहेगा, वास्तविक केंद्रक की तरह वो नहीं दिखेगा। और इसमें जो भी कोशिकांग होते हो, डबल लेयर नहीं होते, दोहरी झिल्ली उसमें नहीं होती। जिस कोशिका में ये झिल्ली उपस्थित होती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ये विकसित कोशिका होती है। इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की कोशिकाएं हो गई आपके केंद्रक की संरचना के आधार पर, और इनमें काफी अंतर होता है। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका प्रायः सभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसमें जो मुख्य अंतर है उसको यहाँ पर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, इसका आकार लगभग 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है और इसका आकार लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों में पाया जाता है, जो भी प्लांट्स जीव जंतु होंगे उसमें ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो यहाँ पर अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ केंद्रक है वो वास्तविक नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से जीव द्रव्य और केंद्रक जो है एक दूसरे से डिमार्केटेड होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में इस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रक वास्तविक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको मेसोसोम कहते हैं। यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ मेसोसोम्स होता है, और फ्लैजला होती है जो कि गमन करने में मदद करती है, प्रकाश संश्लेषित थैलिया होती है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो गुणसूत्र होता है। इसके अलावा जीव द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक, द्रविजालिका, इन सबको हम आगे देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में विखंडन माइटोसिस या मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होती है। बच्चों, जो भी अंतर अभी आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में देखा, इसके अलावा इसमें और भी डिफरेंसेस आप क्या बता सकते हैं? जैसे कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति कहाँ होगी? पादप कोशिकाओं में होगी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है आपकी जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाओं में दोनों में मिल रही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कोशिका भित्ति होगी? नहीं होगी ना, तो ये भी एक तरह का डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा वृद्धि करने के लिए कोशिकाओं को प्रोटीन तो चाहिए, तो प्रोटीन की ज़रूरत भी दोनों कोशिकाओं को होगी, इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में प्रोटीन अवेलेबल होगी।
और इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में, है ना। इसलिए राइबोसोम जो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होगा। और जो राइबोसोम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, 70S और 80S, दो टाइप की आपके राइबोसोम होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम मिलेगा जहाँ की प्रोटीन का निर्माण होगा वो आपका 70S होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम की टाइप होती है, प्रकार होती है, वो 80S टाइप की होती है। इसके अलावा ऊर्जा चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना, तो कोशिका जो है उनको ऊर्जा तो चाहिए। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यहाँ पे श्वसन जो होगा आपका जीव द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में भी होगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होगी वहाँ पे श्वसन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और श्वसन की वजह से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के ये सारे मुख्यतः अंतर हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हमने कोशिका की संरचना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के अंतर को देखा। अगली क्लास में हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर होती है इसको भी देखेंगे। बच्चों इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसका घर पर बैठ करके ही रिवीजन करिए। इस तरह से कोरोना को घर पर ही बैठकर हमें हराना है और अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब भी।